ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सत्संग की कितनी गजब की महिमा है, ये एक प्रसंग से बड़ा अच्छा समझ में आता है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में दोनों में आपस में एक बार सत्संग हुआ और आपस में ये चर्चा चली कि किसकी तपस्या ज़्यादा अधिक है, किसका पुण्य ज़्यादा अधिक है। मानो वशिष्ठ जी जो थे वो सत्संग के की को ज़्यादा महिमा कहते थे और विश्वामित्र जी जो थे वो तपस्या को ज़्यादा महत्व देते थे। दोनों में आपस में वार्ता हुई तो इनका निर्णय कौन किया जाए कि किसका साधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसका आपस में निर्णय कौन करे। तो उस समय में दोनों ने जा कर के श्री शेषनाग भगवान अनंत के पास में पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय करिए कि हम दोनों के जो साधन में किसका साधन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो शेषनाग भगवान बोले कि महात्मन, आपका निर्णय तो मैं ज़रूर करूँगा, परंतु एक समस्या है। समस्या क्या है? तो बोले मेरे सिर पे जो है पृथ्वी का भार है, पूरी पृथ्वी को मैंने उस सिर पे धारण कर रखा है, तो वो सिर पे धारण की हुई पृथ्वी को यदि कोई थोड़ी देर के लिए आप में से कोई एक धारण धारण कर ले तो मैं फिर इसका निर्णय कर देता हूँ। तो उनका कि पृथ्वी को उठाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों के पास में इतना पुण्य है कि उसमें उनके शक्ति से वह पृथ्वी उठ सकती है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं पहले अपने पुण्य से पृथ्वी को एक जगह रोक देता हूँ, फिर आप निर्णय करो। विश्वामित्र जी ने अपनी जो है सारी तपस्या की शक्ति लगाई और सारी शक्ति लगा करके उस धरती को एक जगह पर धारण करने लगे। तो पृथ्वी जो है उनके भार से, उनकी तपस्या के बल, पुण्य के प्रभाव से रुक नहीं पाई। वह एक जगह पर जब नहीं टिकने लगी, विश्वामित्र ने वापस थोड़े से भार के मात्र से ही विश्वामित्र जी की सारी तपस्या की शक्ति लग गई। और जब ना हो पाया ये कार्य तो फिर शेषनाग जी ने फिर से वापस उस धरती को धारण कर लिया। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसे तो नहीं हो सका, अपने वशिष्ठ जी जो है वह अपने साधन के प्रभाव से, अपने पुण्य के प्रभाव से उससे उस पृथ्वी को धारण करें। उसमें वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, इस धरती को धारण करने के लिए मैं अपने साधन के, इस सत्संग के पुण्य में से 1000वां हिस्सा पुण्य में इस धरती को धारण करने के लिए देता हूँ। और जैसे वो पुण्य की शक्ति लगाई, 1000वां हिस्सा था, परंतु उस हिस्से से, उतने ही मात्र हिस्से से ही पृथ्वी जो है एक जगह पर निराधार टिक गई। शेषनाग ने कहा कि महात्मा, आपका निर्णय तो आपने स्वयं ही कर दिया कि किसका साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी तपस्या के द्वारा पृथ्वी एक क्षण भी रुक न पाई और विश्वामित्र जी के सत्संग के पुण्य में से 1000वां हिस्सा पुण्य देने पर भी पृथ्वी जैसा एक जगह पर टिक गई। अर्थ यह है कि सत्संग का एक क्षण इतना सा भी पुण्य है वह कितना बड़ा होता है। तो सत्संग में के द्वारा जीव उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। सत्संग ही पहली सीढ़ी है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में आया है कि श्रुत्वा गुणेन भुवन सुंदर श्रणवताम ते। रुक्मणी जी जो है भगवान को पत्र लिख रही है, उस पत्र में इस प्रथम वाक्य में क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम ते, कि हे प्रभु, मैंने आपके पहले गुणों को सुना और गुणों को सुनने से ही रुक्मणी की प्रीति भगवान से हो गई। ये एक प्रकृति सिद्धांत है। क्या? कि आप जिससे प्रेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें उनका प्रेम प्राप्त हो जाए,
उसकी महिमा का, उनके गुणों का श्रवण करना शुरू कर दो। और जिनके आपने अपने मन में से जिसको निकालना है, हृदय से निकालना है, जिनसे आपने प्रीति कम करनी है, अपने मन के भीतर की आसक्ति खत्म करनी है, तो उसके आप जो है अवगुणों को श्रवण करने लग जाए, उसके अवगुणों को विचार करने लग जाए, उसकी कमियों के बारे में विचार करने लग जाए। धीरे धीरे वह कमियों के कारण से वह आपके भीतर से निकल जाएगा, और जिससे जिसके गुणों का आप श्रवण करते हैं वही आपके भीतर आने लगता है। तो भगवान की कथा सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, गुणों को सुनने से भगवान से हमारी प्रीति होने लगती है, और संसार के जो है दुख दोषानुदर्शनम, संसार में दुख और दोष का दर्शन करने से उससे हमारी जो है विरक्ति होने लगती है। तो जगत से विरक्ति और परमात्मा में अनुरक्ति ही जो है वह मानव का लक्ष्य है, वही परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भी है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब सत्संग श्रवण करना है, सत्संग सुनना है, तो महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो पहले संतों का संग करना ये पहली भक्ति है, नवदा भक्ति में से पहली भक्ति है संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति क्या है कि कथा प्रसंगा। फिर उनके पास जाएंगे, कथा सुनने को मिलेगी, सत्संग सुनने को मिलेगा, तो उससे हमारे को जो है ये भी भक्ति है, कथा सुनना भी सत्संग सुनना एक भक्ति है। इसीलिए ऐसा सत्संग हमें मिले जिससे हमारा जो है परमात्मा में हमारी प्रीति हो जाए, और हम लोग इस जगत से विरक्त होकर के परमात्मा में विरक्त हो जाए। मानव का परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति हेतु सत्संग एक सीढ़ी है, उस सत्संग की सीढ़ी से हम लोग उस परम गंतव्य, परम प्राप्तव्य परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ओम शांति शांति।